प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत विवाद में रणबीर कपूर का नाम आने के बाद अब दीपिका पादुकोण से जुड़े कुछ ईमेल्स टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक के हाथ लगे। कुछ ईमेल्स में कंगना ने दीपिका के बिहेवियर के बारे में भी ऋतिक को ईमेल्स लिखे। कंगना ने भी अपने मानसिक तनाव के बारे में भी मेल्स में मेंशन किया है। मैं क्या कहूँ जब दीपिका कहती है कि मैं आपको कॉल करती हूँ या आप फ्री हो। अगर मैं फ्री हूँ तब दीपिका मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन जब मिलने की बात होती है तब वो रिप्लाई ही नहीं देती। मुझे महसूस होता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, क्या करूँ मैं। मैं दीपिका से मिलना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं उसे रिप्लाई ना दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं घबरा रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सब अलग पर्सनालिटी रखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि दीपिका कभी मुझे कॉल नहीं करेगी क्योंकि पिछले 4 दिनों से यही करती आई है, लेकिन हकीकत में जब वो कहती है कि वो कॉल करेगी और नहीं करती, ये बात मेरे मन को मायूस कर देती है। मैं जानती हूँ कि ये चीजें मेरे डिसऑर्डर की वजह से होती आ रही है कि मैं छोटी मोटी बातों को लेकर सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब दीपिका बेफिजूल की बातें करती है। आई रियली होप शी डज दैट और आई विल फील बैड अबाउट हर बिहेवियर। इनके बर्ताव ने मेरे मन में काफी सवाल पैदा किए हैं। वेल, इन ईमेल्स के सामने आने के बाद अब दीपिका, जो कि अपने काम को लेकर बिजी है, उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस हैरतअंगेज केस और शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर आपके क्या रिएक्शंस हैं?